रहमानी रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज मैं मटन कोरमा बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें बिस्मिल्लाह करती हूँ। इसमें मैं पानी डालूँगी तकरीबन हाफ ग्लास, और इसमें मैं प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सारी चीज़ें मैं इकट्ठी जो है डाल दूँगी। तो इसमें ये मैं सारी चीज़ें जो है ये डाल दूँगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप शुरू से लेकर आखिर तक रेसिपी को ज़रूर देखें और फिर मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको रेसिपी पसंद आई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पहले इसका हम छिलका जो है वो उतार लेंगे। ये छिलका हमारा उतर गया। इसका पानी खुश करेंगे, खुश करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। और इसको अब हम ग्राइंड करेंगे सारा मसाला निकाल लेते हैं। इतना हो गया है, इसमें आज हम करेंगे तकरीबन 5 से 9 टीस्पून। फ्रेंड, इसमें जो मसाला जो जाएंगे वो है कढ़ाई गोश्त मसाला 1.5 टीस्पून, और नमक 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, और कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून। मसाले सारे जाएंगे। तो फिर मटन मैंने जो है वो बॉयल करके रखा हुआ था अपनी हेल्थ के लिए, तो इससे बहुत ही मज़े की रेसिपी और फौरन तैयार हो जाती है। मसाला जो है उसकी बुनाई करें और करके फिर उसको रेडी कर लें। मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया, तो देखो अपनी तैयारी कितनी अच्छी बनी है। अब इसमें हम डालते हैं अपना मटन डालते हैं। मसाला हमारा जो है वो कोरमा तैयार हो गया। हमने मटन बनाया आज बहुत ही मज़ेदार बने। अब इसमें कसूरी मेथी डालते हैं। इसे डिश आउट करते हैं। तो बिल्कुल माशाल्लाह हमारा मटन जो है वो रेडी हो गया, मटन कढ़ाई। तो मैं बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, दिल खोल कर जो है वो सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। मैं आपके लिए बहुत ही जद्दोजहद करके, मेहनत करके आपके लिए रेसिपी तैयार करते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें। तो आप याद रखें, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी।
तब तक के लिए देरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।